सो बिग बॉस 13 के फिनाले का मौका आ चुका है, हमारे सामने फाइनलिस्ट रेडी है, लेकिन आखिर कौन जीतेगा, किसमें कितनी ताकत है, बिग बॉस में इस साल क्या तमाशा हुआ, क्या होगा, उसमें मेरे साथ बात करने के लिए आज एक ऐसा आदमी है जो बिग बॉस के घर में काफ़ी दिन बिता के आया है और बिग बॉस ने इनको काफ़ी पहचान दी, मेरे साथ रोहित चौधरी। पिछले साल इन्होंने बिग बॉस में काफ़ी कमाल दिखाया, आए थे वकील बनकर लेकिन लोगों का दिल चुरा कर अभिनेता बन गए, आजकल ये कहां कहां तो में दिख रहे हैं, इंटरनेट पर इनके ढेर सारे फैंस हैं और इनके और मतलब ये इत्तेफाक है कि दीपिका जिन्होंने बिग बॉस जीता उनके साथ ही अभी सीरियल कर रहे हैं, तो काफ़ी कुछ बिग बॉस इनकी जिंदगी बदली, तो इससे जानते हैं कि बिग बॉस 13 के बारे में ये क्या सोचते हैं। तो बिग बॉस 13 जो इस साल था, क्या आपके बिग बॉस जैसा ही था कि उससे बेहतर था, क्या रखते हैं? नहीं, TRP के मामले में देखूँ तो मेरे सीजन से काफ़ी बेटर था एंड क्योंकि और एक्सटेंड भी कर दिया इतना लंबा, पर मैं ये नहीं मानूँ, मैं कहूँगा कि अब की बार थोड़ा सा ना मेरे को जो फाइटिंग्स हो रही हैं बहुत ज़्यादा, यू नो, एक दूसरे को गालियाँ, शर्ट फट रही है किसी की, किसी को कोई कॉन्ट्रोवर्सी निकाल के किसी का ज़बरदस्ती का एंगल दिखाया जा रहा है, बट आई लाइक फ्यू कंटेस्टेंट्स, यू नो, आसिम आई लाइक, सिद्धार्थ आई लाइक, शहनाज आई लाइक, हाँ तो कंटेस्टेंट है, बट कहा जाऊं तो मेरे सीजन में अगर देखा जाए तो शांति प्यार प्रिय के हिसाब से तो मेरे वाला बेटर था, उससे पहले सीजन बेटर थे फाइटिंग के तौर पे, आई डोंट लाइक दिस सीजन, बट एज ए TRP एज ए बिग बॉस के तौर पे देखूं तो एज ए क्या कहते हैं कंटेस्टेंट, एक दर्शक बन के देखूं तो या आई लाइक इट। पिछले साल से लेकिन इस साल में बदलाव ये था कि लास्ट ईयर आप कॉमन मैन बनकर आए थे, तो इस बार उन्होंने कॉमन मैन को बिल्कुल हटा दिया, इस साल ज़्यादातर TV सितारे ही या मॉडल्स ही दिख रहे हैं, तो क्या लगता है कॉमन मैन के जाने से कुछ फ़र्क पड़ा ये सीजन में? नहीं, फ़र्क तो देखो, बिग बॉस वॉज द सेलेब शो, क्योंकि अगर बाहर से भी आप देखोगे इस ब्रांच ऑफ बिग ब्रदर ऑब्वियसली, ठीक है, आप देखोगे तो उसमें हर वक्त से हर समय से सिर्फ सेलेब्स ही आते रहे हैं, तो थोड़े टाइम के लिए उन्होंने कॉमनर्स को बुलाया था, बट आई एम ऑलवेज इन अ कॉमनर बिकॉज एज ए कॉमनर में आया था तो मैं तो कॉमन लोगों को ही सपोर्ट करूँगा, बट द थिंग इज ये होता है कि अभी सेलेब्स होते हैं तो सेलेब्स में वो चल भी रहा है तो एक कॉमनर और वो वाला फैक्ट नहीं रहता, तो सब अपनी अपनी इमेज की या सब अपने अपने गेम के लिए एक लेवल करते हैं, वहाँ पे क्या होता था जब कॉमनर्स और सेलेब्स आ जाते थे तो सेलेब्स सोचते थे कि यार कॉमनर्स हमारी ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो वो चीज़ अब खत्म हो गई, अभी इक्वल हो गया सबका सब, बट आई लाइक आई वॉन्ट कि कॉमनर्स आए क्योंकि नए टैलेंट निकल के आते हैं, बहुत लोगों की उम्मीद होती है, जो लोग देखते हैं उनका सपना भी होता है कि यार मैं जाऊँ इस शो में, मैं करूँ इस शो में, सो अब इनका कॉल है, कलर्स का कॉल है, एंडा मॉल का कॉल है, बिग बॉस का कॉल है कि कैसे लेना है कैसे नहीं लेना, बट आई ऑलवेज सपोर्ट कॉमनर्स। तो बिग बॉस 13 में जो सबसे ज़्यादा लोगों की उम्मीदें हैं, रश्मि, सिद्धार्थ, आसिम, मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स हैं, तो आपको क्या लगता है किसका ज़्यादा पलड़ा भारी है? यार मेरे को तो आरती दिख रही है पलड़ा भारी निकलते हुए, कहना कि चूहों की लड़ाई में बिल्ली ना बारी मार जाए ऐसा लगता है। हाँ नहीं, मेरे को ऐसा लग रहा है कि बिग बॉस इज डूइंग फेवर फॉर हर, आई डोंट नो व्हाई, बट आई फील लाइक कि आरती को निखार के लेके आए हैं वो, बट अगर गेम के हिसाब से देखूं तो आसिम इज़ अ वेरी न्यू टैलेंट, सिद्धार्थ ने अच्छा गेम खेला नो डाउट, बट आसिम में जिस तरीके से उसने आया और अपना स्टैंड लिया चीज़ों के प्रति, एंड ही फाइटेड रियली वेल, ही प्लेड रियली वेल, सो आई विश कि इनमें से, इन दोनों में से कोई जीते, सिद्धार्थ और आसिम में से, पर मेरे को लगता है कि आरती मार जाएगी बात। लेकिन आप एक बात बिग बॉस की हिस्ट्री में जो गवाह है कि TV की बहुरानियाँ होती है ना, आपकी सीजन में बहुरानी जीती, तो रश्मि देसाई क्योंकि कलर्स का फेस रह चुकी है, बहू रह चुकी है, क्या आपको नहीं लगता कि उनका? मेरे को नहीं लगता, मेरे को क्योंकि गेम हमेशा मैटर करती है, कोई भी हो, अगर कलर्स का फेस है तो कलर्स वाले फिर तो आपकी बात सच हो जाएगी, पर अगर पिछले साल दीपिका फेस थी तो वो जीती, उससे पहले भी श्वेता तिवारी, जितना कोमोलिका, इससे पहले जितनी भी आई थी, तो जो बहुरानियों का कुछ ज़्यादा पलड़ा भारी होता है। देखो नारी शक्ति हमेशा यूज आती है, एक बड़ी बलवान होती है नारी शक्ति, तो मैं तो यही कहूँगा कि यार मेरे को नहीं लगता कि यार रश्मि देसाई जीत सकती है, कलर्स जो भी करता है बिग बॉस अच्छा ही करता है, जो जितना डिजर्विंग है उसको उतना ही मिलता है, क्या पता हु नोज, पर क्या पता आपकी बात भी सच हो जाए, आई एम नॉट श्योर, बट आई विल से कि आई डोंट थिंक सो। बिग बॉस ने काफ़ियों की जिंदगी बदली, सनी लियोन आज घर घर का चेहरा बन गई, आप वकील से अभी अभिनेता बन गए, तो आपकी जिंदगी बिग बॉस से कितनी बदली यार? क्यों, मैं तो जब बिग बॉस में गया था मेरे तो 200 फॉलोवर्स भी नहीं थे इंस्टाग्राम पे, यार मैंने बाहर आके देखा तो 350 क्या कहते हैं के फॉलोवर्स मेरे को फॉलो कर रहे हैं लोग, 400 के आसपास, बट वो अकाउंट मेरा किसी ने हैक कर दिया था। तो इस वजह से तो देखता हूँ कि लोग प्यार करते हैं, अपनापन, लोग ना जुड़ जाते हैं, जब आप कॉमनर होते हो और एज ए कॉमनर आप कुछ करते हो बिग बॉस जैसा शो या कोई अच्छा शो करते हो, तो लोग आपके साथ अटैच होते हैं, लोग आपको फील करते हैं उन चीज़ों में, और मेरे फैन मेरे लिए उतने ही हैं, लाइक अभी मेरी ज़िंदगी में पहले सिर्फ मेरे फैमिली वाले ही मेरे लिए सब कुछ होते हैं, अभी मेरे फैंस भी इक्वली मेरे लिए उतने ही प्यारे हैं और उतने ही भगवान के तौर पे हैं, जितना मैं अपने घर वालों को मानता हूँ और उतना ही मैं अपने फैंस को मानता हूँ, सो
कहते हैं ना कि प्रोत्साहन करना, तो प्रोत्साहन आपको बाहर के लोग ही करते हैं, तो बिग बॉस ने मुझे एक पहचान दी है लोगों में, बताया कि रोमिल चौधरी किस तरीके का इंसान है। मेरे को बिग बॉस ने मास्टरमाइंड का टैग दिया, बिग बॉस ने काफ़ी सारी चीज़ें एक ऐसा चीज़ फाइनलिस्ट बना दिया बिग बॉस का, कि एक छोटे से शहर से निकल के इंसान को एक आज मुंबई पहुँचा दिया। एंड टच वुड, माता रानी की कृपा से आई एम डूइंग रियली वेल इन माई लाइफ, सो दैट्स किया बहुत कुछ है मेरे लिए। एंड इवन सलमान सर इज़ लाइक फादर टू मी, ही ऑलवेज सपोर्टेड मी, ऑलवेज लाइक्स मी इन हिज लाइफ। सो दोनों का, बिग बॉस और बिग बॉस से ज़्यादा मैं सलमान सर का, दोनों का ही बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा। तो आपने जो बिग बॉस में जो दुश्मन और दोस्त बनाए थे, क्या उनसे टच में है? नहीं, मैं बहुत कम लोगों से टच में, बट सब मेरे दोस्त हैं, हैप्पी क्लब वाले सबके सब मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, सबसे मैं बात भी कर लेता हूँ। बट मैं अपने ही जोन में रहने वाला इंसान हूँ, आई डोंट लाइक दैट मच सोशल मीडिया पे, मैं इतना नहीं नो, इतना फालतू में करता नहीं हूँ। बट हाँ, कि कभी किसी को काम हो, मुझे हेल्प होती है, उन्हें मेरी हेल्प होती है, तो वी स्टैंड फॉर ईच अदर एंड वी यू नो मीट टुगेदर। तो बिग बॉस 13 में जब आप एपिसोड देखते हैं तो आपको वो अपने पल याद आते हैं, कुछ ऐसे पल थे याद आएगा वो ये मेरे साथ भी हुआ था, एक डेजा वो फीलिंग आती है जब हम देखते हैं, तो कुछ ऐसे कुछ पल आपको इन एपिसोड को देखते हुए याद आए? हाँ आती है यार, वो एक ऐसा लम्हा होता है कि आज जब आपकी, जब इनकी कंटेस्टेंट्स की एंट्री हो रही थी ना, उसी टाइम इमोशनल हो जाता है इंसान कि यार आज सेम डेट पे पिछले साल मैं इस घर में घुस रहा था, आज कोई और घुस रहा है। एंड तो होता है यार काफ़ी सारी चीज़ें, जिस तरीके से वो मस्ती करते हैं, खाने के पीछे लड़ाइयाँ, ठीक है, कोई किसी के कपड़े, मैंने तो कोई काम भी नहीं करा, तो वैसे ही सिद्धार्थ भी करवाता रहता कभी शहनाज से, तो मैंने भी काफ़ी काम करवाए, कभी सोमी से, कभी जसलीन से, कभी रोशनी से, कभी कृति से, तो वो भी ऐसे ही कराता रहता है, प्यार बांट बांट के, मस्ती करके, तो काफ़ी सारी चीज़ें होता है कि यार मैं भी ऐसे ही करता था, तो काफ़ी थिंग्स, बहुत बहुत सारी। तो बिग बॉस में हर बार एक ऐसा इंसान होता है जो अपनी नई पहचान बिग बॉस से बनाता है, इस साल शहनाज बना रही है, तो आपके सीज़न में भी जैसे आपने ही पहचान बनाई, तो इस शहनाज के बारे में आपका क्या ख्याल है, क्योंकि वो तो बिल्कुल न्यू कॉमनर ही थी एक तरह से। मेरी तो पड़ोसन है, इज़ वेरी एंटरटेनिंग, मैं करनाल से, वो पंजाब से, सो शहनाज, तो आई लाइक शहनाज वेरी वेल और वेरी मच ऑल्सो, बट द थिंग इज़ वो ना गेम से भटक गई, तो मैं शहनाज से थोड़ा सा डिसअपॉइंट हूँ, क्योंकि मैंने उससे बहुत एक्सपेक्ट किया था, जिस तरीके से वो आई थी फर्स्ट मंथ ही, वो शी वॉज एंटरटेनिंग, टिल नाउ शी इज़ एंटरटेनिंग, बट द थिंग इज़ उसने सिद्धार्थ के पीछे अपनी गेम्स खोल दी, उसने ख़राब कर दी। सो बट हाँ, पहचान मिली है, तो एक कुछ चीज़ें ना, वो मेरे सीजन में मेरे साथ कुछ चीज़ें ऐसी हुई थी जो आज तक मैं रिग्रेट करता हूँ, शायद मैं ये क्यों कर दिया मैंने, तो आई होप सो कि वो जीते, भगवान दुआ करता हूँ कि वो भी जीत जाए, उम्मीद करता हूँ कि वो भी जीते, पर थिंग इज़ कि हाँ थोड़ा सा वो भटक गई थी रास्ते से, सो पहचान मिले ना मिले, पर एक ना वो सोचेगी उस चीज़ को कि यार आई शुड हैव थिंक अबाउट दैट, मेरे को करना था या नहीं करना था। पारस छाबड़ा के बारे में क्या ख्याल है, क्या उनका कोई स्टैंडिंग है? सही है यार, ही इज़ अ गुड प्लेयर और उसने अच्छा खासा, ही नोज गेम रियली वेल, उसको पता था कि मैं सिद्धार्थ के पास जाऊँगा उस मौके पर, उसका साथ दूंगा तो मैं आगे पहुँच सकता हूँ, क्योंकि माहिरा के लिए उसने इतना, माहिरा ने अच्छी गेम खेली, शी इज़ नॉट अ शैडो फॉर हर, बट ही ऑलवेज केयर्स अबाउट हर, लोगों को लगता है कि माहिरा के लिए उसने किया, बट ही ऑलवेज प्लेड हिज गेम वेरी वेल एंड ही डिजर्व टू बी इन टॉप 5, सो दैट्स व्हाई ही इज इन टॉप 5, सो ही इज अ गुड प्लेयर। कुल मिला के लगता है बिग बॉस 13 काफ़ी एंटरटेनिंग था, जब आप इतना टैब रखा हुआ है आपने। हाँ नहीं, एंटरटेनिंग था, बट शूट होते हैं तो कहीं बाहर होते हैं, इधर होते हैं तो देख नहीं पाते हैं, पर जैसे ही मौका मिलता है ऑब्वियसली देखता हूँ यार, क्योंकि अटैचमेंट होती है, अभी एज ए कंटेस्टेंट होते हैं हम, तो हमें भी एक लगता है कि यार चलो देखो आज क्या हुआ है, कैसे हुआ है, तो एंटरटेनिंग, तो ना भी हो एंटरटेनिंग तब भी हमें देखना पड़ता है, क्योंकि हमें अपनापन याद आता है उस चीज़ से। तो देखा आपने रोमिल चौधरी का क्या कहना है बिग बॉस 13 के बारे में, तो आपके भी विचारों सही वोट दीजिए और सही कैंडिडेट को जिता रही है। फिलहाल रोमित, थैंक यू सो मच बिग बॉस के बारे में इनसे बात करने का, और आप रोमित को फॉलो कीजिए, सोशल मीडिया पर नहीं है तो क्या कहेंगे फैंस को जाते जाते? फैंस को बस साथ रहना यार, आप लोगों की वजह से ही मैं हूँ, आप नहीं तो फिर मेरी कोई औकात ही नहीं है, तो इस वजह से जो कुछ हो आप ही हो मेरे लिए, सो प्लीज़ ऑलवेज सपोर्ट इन एवरी प्रोजेक्ट, कोई भी काम आता है, सो दिल से मैं आपके लिए दुआ करता हूँ कि आप हमेशा खुश रहे और मेरे लिए भी थोड़ी दुआ करते रहो और प्यार बांटते रहो। थैंक यू।